जिनको भी सिर में दर्द रहता है उनके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं नाक से श्वास लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं नाक से श्वास लिया, बाएं से छोड़ दिया। ऐसे 10-15 मिनट प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम, श्वास को भर करके नाक से छोड़ना, इसमें मुख बंद होता है, नासिका से ओंकार का नाद होता है, फिर ओंकार का उच्चारण करना, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ही 3 ही प्राणायाम कर लेते हैं तो आपका सिर का दर्द ठीक हो जाता है। सिर के दर्द के बहुत कारण हो सकते हैं, किसी किसी को पित्त बढ़ने से सिर दर्द होता है, माइग्रेन पेन होता है, इसको पित्तज शिरोवेदना कहते हैं, पित्त से होने वाले सिर का दर्द। उसके लिए अच्छा होता है कि आप सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा गुनगुना पानी पीकर के उल्टी कर ले तो उससे सारा पित्त निकल जाएगा और आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसे भी कई बार जब यात्रा करते हैं या पहाड़ों में यात्रा करते हैं उससे भी जब एसिडिटी बनती है तब भी तुरंत सिर में दर्द हो जाता है। तो यदि आपको एसिडिटी बनी हुई, अम्ल पित्त बना हुआ है, अम्ल पित्त जब भी शरीर में बढ़ जाता है तो उससे भी सिर दर्द हो जाता है। तो उसके लिए आप कुंजर क्रिया कर लें और पित्त ना बढ़े इसके लिए आप अंकुरित अन्न लें, शाक सब्जियां लें और लौकी का प्रयोग करें, गोदंती मुक्ता पिष्टी मुक्ता शुक्ति इनको मिला करके वैद्य की परामर्श अनुसार आप आधा आधा ग्राम ले सकते हैं, अथवा अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम मिला करके ये 2-3 ग्राम ये आप पानी के साथ ले सकते हैं। एलोवेरा का जूस तो एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा, उसको भी अपना सकते हैं। तो मैंने एसिडिटी के कारण से सिर दर्द हो जाता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कई बार कफ बहुत जम जाता है, बलगम यहाँ माथे में और नाक के दोनों ओर बहुत ज़्यादा कफ बलगम जम जाता है, उससे सिर दर्द हो जाता है और वो इसको बोलेंगे कि हम कफ के बढ़ने से, कफज जो शिरोरोग है, इसके लिए करीब 100 ग्राम शुद्ध जल, उसमें 1 चम्मच रीठा और करीब 1 चुटकी भर त्रिकुटा, या ऐसे ही घर में सौंठ और काली मिर्च तो होती है उसका पाउडर करके 1 चुटकी भर वो डाल दिया। ये जो 100 ग्राम या 100 ml जो पानी है इसको 2 दिन ऐसे ही रखो, रीठा का पाउडर और त्रिकुटा चूर्ण अथवा सौंठ और काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च और 1 चुटकी भर सौंठ, ये भिगो के रख दिया और 2 दिन बाद इसको छान करके रख लिया। इसकी 2-3 बूंद एक नाक में, 2-3 बूंद दूसरे नाक में ऐसे डाल देते हैं, इससे सारा कफ फिर निकल करके बाहर हो जाता है। हमने 100-200 ग्राम से लेकर के आधा आधा किलो तक लोगों का कफ निकलता देखा अपनी आंखों से और हमने उनको ठीक किया है। तो ये रीठे का झोल बना करके नाक में डाल देते हैं, इससे सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। जलनेति सूत्र नेति करने से भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। और जो है किसी किसी को सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए वो मेधावटी का प्रयोग कर सकते हैं, छोटी उम्र वाले 1-1 गोली और बड़ी उम्र वाले 2-2 गोली भी खा सकते हैं। किसी के दिमाग की नसें इतनी कमज़ोर हो जाती, बस थोड़ा सा तनाव आया, थोड़ी सी कोई परेशानी हुई और घर में थोड़ी अनबन हो जाती है, बस किसी से नाराज़गी हो जाती है, कुछ भी बस अनचाहा हो जाता है तो एकदम से सिर भिनभिनाने लगता है। तो दिमाग के नसें जिनकी कमज़ोर होगी उनके लिए ज़रूरी है कि वो 1-1 या 2-2 गोली मेधावटी के ले सकते हैं। गर्मी की ऋतु में वो अमृत रसायन भी ले सकते हैं, वह मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। बादाम को भी पीस करके ले सकते हैं, बादाम और अखरोट दोनों ही सिर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सिर को ताकत देते हैं। बादाम रोगन 2-3 बूंद से लेकर के 1/2 चम्मच तक दूध में डाल करके पी सकते हैं और बादाम रोगन नाक में डाल सकते हैं, 3 से 5 बूंद एक नाक में, 3 से 5 दूसरी नाक में बादाम रोगन डाला और जो है 3 से 5 बूंद डाल करके आप उसको ऐसे निगल जाते हैं, लेट करके बादाम रोगन नाक में डाल सकते हैं, इससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। सिर दर्द का एक बहुत देसी और बहुत ही अक्सर जो नुस्खा है, एक घरेलू दवाई है, उपचार है, वो ये कि देसी घी की जलेबी खाओ और ऊपर से दूध पी लो, गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, देसी घी की जलेबी और ऊपर से दूध पी लिया, सिर में दर्द एकदम अच्छा हो जाता है। ये बड़ी
महत्वपूर्ण बात है। सिर में दर्द ज्यादा होने पर प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, गोदंती भस्म 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके सब आधा आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खाते तो उससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। किसी की दिमाग की नसें बहुत ही कमजोर हो तो मेधावटी के साथ साथ मेधा क्वाथ भी पी सकते हैं और सारस्वत अरिष्ट भी ले सकते हैं, वो भी 4-4 चम्मच पानी और दवा मिला करके पिया जा सकता है। तो इस तरह से हम माइग्रेन पेन से, सिर के दर्द से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। ये स्थायी समाधान है सिर दर्द का, अन्यथा एलोपैथी में पेन किलर्स लेते रहते हैं और पूरी जिंदगी भर सिर दर्द को ढोते रहते हैं, सहते रहते हैं और कई बार तो इतना सिर में दर्द हो जाता है व्यक्ति सिर को बांध लेता है और लगता है कि बस दीवारों में सिर को मारो, ऐसा भी कितना ही भयंकर सिर में दर्द हो अच्छा हो जाता है। हम इसके लिए दिव्य धारा का भी प्रयोग करते हैं, पतंजलि बाम का भी प्रयोग करते हैं, कई तरह की बाम सभी लोग लगाते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं। देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन साथ 10-10 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम नारियल का तेल ले लीजिए और बस इसमें थोड़ा आप मिलाना चाहें तो थोड़ा लौंग का तेल भी मिला सकते हैं 2-3 ग्राम, तो ये सब मिला करके और रख लीजिए, एक लिक्विड बन जाता है उसको ऐसे सिर में लगा लीजिए, थोड़ा सूंघ लीजिए, इससे भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं दोनों तरफ माथे के दोनों साइड में, ये जो गड्ढे होते हैं इसमें दबाने से और सिर के पीछे भी एक गड्ढा होता है, इसको दबाने से भी सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे में भी दबाने से आप माइग्रेन पेन से छुटकारा पा सकते हैं।